नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांग भावसार। आई एम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ द सिम्स कैंसर सेंटर। सिम्स कैंसर सेंटर की खासियत ये है कि ये एक ही रूप के नीचे आपको सभी तरह की वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स की ट्रीटमेंट आपको एक साथ सर्जरी, मेडिसिन, रेडिएशन और डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक ट्रीटमेंट यू कैन गेट अंडर द वन रूप। एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आई विल लाइक टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी से की सारवार जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका सबसे बेस्ट जो मशीन है वर्षा HD नाम का जो मशीन है, एशिया में सबसे प्रथम बार सिम्स कैंसर सेंटर में 2014 में उसका इंस्टॉलेशन हुआ था। आज की तारीख में बेस्ट टेक्निक जो रेडियोथेरापी की कही जाती है वो इमेज गाइडेड रेडियोथेरापी। इमेज गाइडेड रेडियोथेरापी का मतलब ये रहता है कि जब भी आपका इलाज हो रहा है, वो मशीन के अंदर रोबोटिक कॉच रहता है, वो पेशेंट की पोजीशन करेक्ट करता है और जो ट्रीटमेंट डिलीवरी है वो इतनी स्मूथ होती है, और जो डिज़ायर जो डोज रहता है रेडिएशन का वो असरग्रस्त कोशिका हो ही मिलता है। एट द सेम टाइम जो सामान्य कोशिका है जिसको रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट होने की गुंजाइश रहती है वो बिल्कुल मिनिमम और कम हो जाती है। उसका परिणाम रूप ये आता है कि पेशेंट को मैक्सिमम फ़ायदा होता है और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होती है। तो आप द ट्रीटमेंट का क्योर रेट भी बढ़ जाता है, एट द सेम टाइम द साइड इफ़ेक्ट ऑल्सो गोज डाउन। ये समय है ऑर्गन प्रिजर्वेशन का। पहले के समय में ऐसा था कि जो कैंसरग्रस्त अवयव है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते थे। अभी के समय में वो अवयव का ट्रीटमेंट भी हो जाए और अवयव भी अपनी तरह काम करता रहे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, स्वरपेटी का है, गुदे का कैंसर है, आज की तारीख में ये शक्य हो गया है कि वो ब्रेस्ट का भी प्रिजर्वेशन हो जाए, वॉइस का भी, स्वरपेटी भी अपने बच जाए और गुदे का भी जैसे देखा जाए तो उसका भी प्रिजर्वेशन हो और ट्रीटमेंट हो और कंप्लीट क्योर हो जाए, ये पॉसिबल है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि रेडिएशन की सारवार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अत्याधुनिक मशीनों से उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इलाज समय से कराने से ज़्यादा केस में मिटने की गुंजाइश रहती है। Sims is a calling, a new beginning, a new destination.